बेड्स क्या हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। बेड वो हैं जो हमने क्रॉप लगाई है उसमें जो अदर प्लांट ग्रो कर गए हैं जो हमारी फसल को प्रॉपरली उगने नहीं देंगे या उसके ग्रोथ में रुकावट डालेंगे, तो वो हो गए बेड। मतलब अनवांटेड प्लांट है, अनडिजायर्ड प्लांट है जो नेचुरली ग्रो कर गए हैं क्रॉप के साथ। तो बेड एक इन ए फील्ड भी मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो फील्ड में मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट, अनडिजायरेबल मतलब जो हमने बोए नहीं है वो अपने आप ग्रो कर गए हैं, ग्रो हुए नेचुरली विद द क्रॉप जो हमने फसल बोई उसके साथ वो ग्रो हो गए हैं। उनके दीज अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वेड्स, मतलब जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं वो भी उसमें ग्रो हो गए हैं। और इनका बेड्स का जो रिमूवल उन्हें हमारी फसल से निकालना क्योंकि हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर सके, क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके, उसे कहते हैं बेडिंग। बेड्स जो कंपीट करते हैं कि उन्हें निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो हमारी क्रॉप है उसके साथ वो कंपीट करते हैं, मतलब उसका वाटर ले लेंगे, न्यूट्रिएंट ले लेंगे, स्पेस लेंगे, लाइट लेंगे, सब उससे लेंगे, तो इसलिए उन्हें वहाँ से रिमूवल करना हमारी फसल के लिए क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल ऑफ वेड्स कैसे किया सकता है, टेलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप, मतलब अपरूटिंग करना, किलिंग ऑफ वेड्स कर लेनी है, मतलब पहले उसे मिट्टी को जब ठीक ठीक कर रहे हैं तो उससे जो अनवांटेड प्लांट है उन्हें हटा के अलग कर देना है, नहीं तो वो फिर से ग्रो करेंगे। मैनुअल रिमूवल कर देना है, जैसे हमने फसल वो लगा दी है और उसके साथ वो भी ग्रो हो गए तो फिर उन्हें अपने आप निकाल देना है, या फिर वेडिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं जैसे 2,4-D। तो यह है वेड्स और वेडिंग, वेड मतलब इन्हें वेड्स को कैसे रिमूव किया जाए। ये क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 1st है।